गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और आज मेरा भाई आ रहा है घर दिल्ली से, तो स्पेशल उसको लेने जा रहा हूँ यहाँ नीचे। बहुत सुबह साक्षी भी लगी पड़ी है यहाँ पे स्पेशल रोटी बनाने पे। ज़्यादातर हम यहीं पे बनाते हैं रोटी बाहर पे। और मौसम भी क्या ही गजब का हो रखा है। ये देखिए भाई, चारों ओर कोहरा ही कोहरा लगा पड़ा है। और अभी मैं गौशाला में आया हुआ था सौम्य और सुनैने के पास घास देने के लिए। दोनों के पास घास भी डाल दिया है। हेलो। और ये सुने ना, बहुत गुस्से में आजकल। तो सुमित को लेने मुझे बाइक में जाना था, लेकिन रास्ते में सड़क बहुत ख़राब हो रखी है। इस वजह से मैंने सोचा ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, इस वजह से वो गाड़ी में आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सभी चाची ताई लोग बैठे हुए हैं। और आजकल गांव में मनरेगा का काम चल रहा है ना, तो सभी लोग लगे हुए हैं। आज बढ़िया बात यह है कि ज़्यादा धूप नहीं है। ये देखिए दोस्तों, जो ड्रम ख़राब हो जाते हैं ना, मतलब जो चूने लग जाते हैं, तो फिर पत्थर सारने के काम आते हैं। और हमने भी ये पत्थर बहुत सारे हैं जब हमारी मकान का काम चल रहा था। तो छोटा भाई सुमित भी आ गया है। मेरा नाम अमित है, इसका नाम सुमित और साक्षी। अमित, सुमित, साक्षी। और सभी लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे से भी लंबा हो गया है। तो सच में ये लंबा भी हो गया, और दिल्ली रह के दिल्ली का पानी भी आ गया, इस पर गोरा भी हो गया। अब चलते हैं सीधे घर की ओर। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे माँ। हेलो जैकी, हेलो। पानी की छलार ये भी इसको नमस्ते कर रही है। यहाँ पे मम्मी इमोशनल हो चुकी हैं। कैसा रहा दोस्तों? सुन, इसको इसको प्रणाम करना चाहिए, नहीं कर रही है। बड़े की इज्जत नहीं, प्रणाम कर फिर। चलो भाई प्रणाम करो, जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है, मजाक कर रहे हैं। वैसे लड़कियाँ प्रणाम नहीं करती। कैसा रहा सुमित सफर? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। सुमित काफी लंबा हो है, लंबा ये पापा से भी लंबा हो चुका है। सुमित साक्षी बगल में रहो तो। ओह माय गॉड। और मैं तो भाई वाह। आज पंडित जी भी आ चुके हैं हमारे घर पे, कल रक्षाबंधन है। मन जिया बोले बोले रक्षाबंधन दिन। हाँ बोले बोले दीन बंधु भले राजा पैर धागा। बोले बोले दीन बंधु भले राजा दानवेंद्र महाबला तीन पाम महाकर क्या मैं दक्षिण माकर मान लिया जय गगा दिन गगा दिन ना शुरू। हेलो, ये नई बिल्ली हमारी दोस्त बन गई है, इसको जान से छोड़ेंगे नहीं आज हम। तो जैसे ही सुमित आया, बारिश का भी आगमन हो चुका है। सिरूल है ये भाई, बिल्ली भी भीग गई। तो सुमित के आते ही काफी तेज बारिश भी हो गई, ओनली 5 मिनट का फर्क रहा होगा। जैसे ही घर पे पहुंचे ऐसे ही बारिश लग गई, साइड काफी तेज बारिश चल रही है। इधर हम सभी लोग मास्क करके बैठे हुए हैं। 2-3 महीने पहले सुमित घर आया हुआ था, और एक ही दिन रहा क्योंकि इसको ट्रैक पे जाना था, तुंगनाथ रुद्रनाथ। और इस बार अब हम दूसरा ट्रैक करेंगे, सुमित और मैं साथ में जाएंगे। पिछली बार दोस्तों के साथ गया था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाया है। तो यहाँ पे मम्मी बैग खोलती हैं। देखिए भाई, सुमित लाया है स्पेशल चॉकलेट ही लाया है इस बार, क्या बात है। रक्षाबंधन आ रहा है तो चॉकलेट। अच्छा, रक्षाबंधन स्पेशल। वाह जी, ये देखिए भाई, एक से एक यूनिक से यूनिक चीज़ लाया है सुमित। यूनिक बैग, पहले मिठाई लाता था, और इस बार देखो भाई ये भाई, ये दादी के लिए है एक पैकेट हमारे लिए। ये देखिए भाई, और बाहर देखो भाई दोस्तों, बारिश क्या ही भयंकर झमाझम बारिश हो रही है, मस्त हवाएं चल रही हैं। जो चीज़ सुमित इस बार लाया ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। पहले तो मिठाई लाता था, लेकिन हमने बोला मिठाई नहीं खाएंगे, तो इस बार कुछ यूनिक यूनिक लाया भाई।
तो ये हम पहली बार खाएंगे। इसमें बहुत सारे ये कुकीज़ हैं, ये बढ़िया था, ये मेरे फेवरेट हैं, बॉय वन गेट वन फ्री, इसके साथ ये फ्री मिला है शायद। हाँ हाँ, पर यही इतना महंगा है कि ये दोनों की प्राइस सेम सेम है। चलो ट्राई करते हैं। अरे ये कौन से खजूर हैं भाई? ये अजीब वाले लग रहे हैं। अजीब वाले नहीं है, कल से नहीं खाओ ना, ये देखो ये गीले हैं, ये सारी खा के चूहे रहते हैं ना, ये देखो ये ज्यादा बढ़िया होते हैं। ये भले दोस्तों सेहत के लिए बढ़िया होते होंगे, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं ना, मार्केट साइड, वो ज्यादा बढ़िया है, जिनमें मक्खी चिपकी रहती है, वो बढ़िया रहते हैं जिनमें मक्खी लगी रहती है। दोस्तों दिन का समय हो चुका है, स्पेशल लंच बन के रेडी हो चुका है। आज हमने बनाया है दाल भात और साथ में है रायता। अभी दोस्तों बारिश बंद हो गई है, वापस से गौशाला में आ गए हैं। आज हम गौशाला में पिला रहे हैं गाय भैंस को स्पेशल, अरे भाई रहने दे, पीना पीना बोले तो पौष्टिक आहार। और सुमित कैसा लग रहा है तेरे को गांव में? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। वहाँ एकदम गर्मी वगैरह थी, यहाँ बारिश वगैरह हो रही है। अभी घूमने का प्लान कर रहे थे, अब बारिश हो गई एकदम। अभी हम जा रहे थे इसकी स्पेशल चौमिन खाने के लिए, इसको गांव की चौमिन बहुत पसंद है, लेकिन उससे पकौड़े बना रही है साक्षी। अब साक्षी बनाएगी पकौड़े। तो देखो भाई बारिश का मौसम है, अचानक ही झमाझम बारिश लग गई है, पहाड़ों में ऐसे ही तो माहौल रहता है। यहाँ ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पे मम्मी जी भी गौशाला में आ चुकी हैं। इनको नहलाने का क्या फ़ायदा, अब ऑटोमेटिक नहला जाएंगे। बारिश भी आ गई है, ये भैंस आजकल बहुत अग्रेसिव हो गई है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या दुश्मनी है इसकी मेरे से। भाई साहब अचानक ही इतनी बारिश, क्या बोलें भाई, कसम से। ये शॉर्टकट है हमारे घर का जी। मैंने इतने सारे कपड़े धोए, मैंने सोचा कि ट्रिप पे जाएंगे, बहुत लंबी और ज़बरदस्त ट्रिप होने वाली है, आप लोग साथ बने रहना, साथ मत छोड़ना, आप तभी जाएंगे जब ये कपड़े सूखेंगे। लेकिन बारिश देखो भाई, आज सुबह से ये बारिश हो रही है। भाई ये बारिश का समझ ही में नहीं आ रहा भाई, अचानक ही इतनी तेज लग गई है, क्या बताएं। लेकिन अब हम बारिश के मौसम में पकौड़ी बनाते हैं, और पकौड़ी खाने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए भाई अभी किचन में आ गए हैं, और यहाँ पे साक्षी कर रही है स्पेशल आलू की पकौड़ियाँ बनाने। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे पेस्ट भी बना दिया इसने अदरक की। क्या क्या है इसमें? इसमें है आलू है, कड़ी पत्ता है, आटा है, नमक मिर्च जो नॉर्मल होती है। पकोड़े बन के एकदम रेडी हो रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। और हम लगभग हफ्ते में एक दो बार तो बना ही देते हैं, क्योंकि हम बाहर कम ही खाते हैं। ये हमारा पहाड़ी किचन है भाई, ये ऐसा ही रहता है। और सुमित को देखो भाई, बहुत खुशी हुई है ना घर आके, कैसा लग रहा है बता, इधर तो देख तू। दस बार एक ही सवाल पूछ लिया, कैसा इतना क्यों शर्माता है ये बता। हैं पकोड़े खा लो गाइस, गाइस कैसे हो, राधे राधे। हाँ तो गाइस ये हमारा पहाड़ी किचन है, देख सकते हो आप, ये पुराना, इसमें दूध वगैरह रखते थे दादी लोग, अभी भी रखते हैं शायद। और एक कढ़ाई, हर किसी के घर में एक काली कढ़ाई रहती है, और इस पे मट्ठा निकालते हैं, छाछ जिसको निकालते हैं। ये बुरास का जूस है, खत्म होने वाला है, ये डेरी से मिला। इधर भी तो देख आंख, इधर भी तो मिला ले, दही होता है। और ये हम बाहर से कुछ फास्ट फूड खाते नहीं है, तो घर पे ही बनाते हैं हम सब कुछ। तो हमने नूडल्स बनाने के लिए आपका विनेगर और सोया सॉस सब रखा है यहाँ पे। ये हमारा दूध है बस, थैंक यू गाइस। और अभी मम्मी ली आई है यहाँ पे गोबर निकाल के, वैसे कल तक मेरी ड्यूटी थी, लेकिन अब मम्मी खुद चलो फिर ये वो ना दिखाओ। और सुमित देखो भाई, दिल्ली का रंग चढ़ा हुआ है यहाँ पे, और डांस कर रहा है बढ़िया से, लेकिन ब्लॉग में आने पे शर्माता है। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है सुमित, वाई लड़की थोड़ी ना है तू, अभी मैं खुद ब्लॉग बनाऊंगा तब मैं शर्माऊंगा। अच्छा जी, बाकी शाम के समय हमारे यहाँ का माहौल देखो क्या ही गजब का हो रखा है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर इस पक्षी का नाम बताएं, मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों का टेस्ट लेते हैं हम। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस पक्षी का नाम क्या है,
जूम करके आपको दिखा भी दिया है। यहाँ से ठीक सामने माँ मैठणा का मंदिर है, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। यहाँ पे स्पेशल पकौड़ी बनके भी रेडी हो चुकी हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और क्रिस्पी हो रही हैं। और ये रहा भाई, मम्मी यहाँ पे पीस रही हैं चटनी। बिल्कुल गजब का स्वाद आ रहा है, ये आम की चटनी है सब। अभी सभी लोग यहाँ पे पकौड़ी का एंजॉय कर रहे हैं सॉस के साथ। सुमित कैसी लग रही है तुझे पकौड़ी? बेकार। इसको बेकार लग रही है, चटनी में भी बेकार ही लग रही है, हैं? चटनी अच्छी लग रही है। अब हम जाने वाले हैं फिर चाउमीन खाने। ये है सिरू, हफ्ते में एक दो दिन पता नहीं कहाँ से टपक आता है, आता है या आती है, जब भी आता है तो यहीं पर लेट जाता है एकदम बढ़िया तरीके से। चल, गुस्सा तो नहीं है? चलो भाई, किधर जाने का? इसको मैं बहुत परेशान करता हूँ जब ऐसी चीज़ें, छोटे मोटे छोटे डॉग या बिल्ली रहती है ना, आदमी बहुत परेशान कर देता है उसको। चलो बाहर चलो भाई, खाना खाने का समय हो गया है। ओए ये देखो भाई, ये फैमिली कैट होगी ना, इस वजह से किसी के पास भी आ जाती है, नहीं तो और तो ऐसे भागते हैं क्या बताएं। और अभी अभी दोस्तों साक्षी इतना भयंकर डर गई, क्या बताएं, जैसे ये खाना खाने के लिए मम्मी बुला रही थी उधर को गई, मैं एकदम से बाहर मैंने बिल्ली को देखा। और लोग बोलते हैं ना, जब ना बाघ शिकार करने के लिए आता तो छोटा बन जाता है, उसको देख के डर गई। वो था उधर खड़ी। चलो भाई, तू डराता है सबको, ये भाई चल चलो, गो टू योर होम, नीचे इसका घर है, जा घर पे जा, नहीं तो रात को परेशान सोने नहीं देता है। अरे क्या है भाई, तूने तो ये अपना घर ही समझ लिया है, बस चोरी मत करना, डर इसी बात का है, नहीं तो ये बिल्ली बहुत चोर बिल्ली लगती है मुझे। अंदर जा रही थी ये चुपके से। आज है स्पेशल दोस्तों, आलू बड़ी की सब्जी और दाल और भात। मैं तो दिन का भात ही खा रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं मोटा कैसा पड़ रहा है, बल भाई तू तो आजकल रात को भी भात खाया जा रहा है भाई, भात खाने की बहुत आदत लग गई है। भात बोले तो चावल, भात ही बोलते हैं हम पहाड़ी लोग हैं, बहुत सी जगह भात बोलते हैं, बहुत से लोग भात बोलने में शर्माते हैं, लेकिन हम दाल भात वाले हैं। तो ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया, आज पूरा दिन घर पे ही ब्लॉग बना। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।